लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी कई अहम दांव पेच खेलती हुई नजर आ रही है। देखा जा रहा है कि बीजेपी नए नए चेहरों को मौका दे रही है इस बार के लोकसभा चुनाव में, लेकिन दूसरी ही तरफ विपक्षी दल भी पीछे नहीं है। बिहार में राजद की तरफ से अहम ऐलान किए जा रहे हैं। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जरा सा भी पीछे नहीं है। हाल ही में देखा गया कि किस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया है बीजेपी ने। लेकिन इनसे पहले देखा गया है कि बीजेपी ने मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल निरहुआ को भी मौका दिया। ये सांसद बन चुके हैं और अब भी चुनावी मैदान में है, लेकिन अब राजद पार्टी भी बिहार में एक बड़ा दांव खेल सकती है। जानकारी दे दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को बिहार में राजद से टिकट मिल सकता है। खेसारी लाल यादव के राजद से टिकट मिलने को लेकर इस वजह से चर्चा तेज हो चुकी है क्योंकि हाल ही में खेसारी लाल यादव ने पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की जमकर तारीफ की। सूत्रों का यह दावा भी किया जा रहा है कि खेसारी लाल यादव लालू यादव और रावड़ी देवी से मुलाकात भी कर चुके हैं और चर्चा यह है कि अब वह चुनावी ताल ठोक सकते हैं। इतना ही नहीं, बीते शनिवार को पटना में वह राजद के कार्यक्रम में भी बुलाए गए, जहां पर उन्होंने तेजस्वी के लिए गाना गाया। खेसारी लाल यादव ने तेजस्वी के बिना सुधार ना हुई और लालू बिना चालू ई बिहार ना हुई गाने से राजद समर्थकों में जोश भर दिया। वहीं खेसारी लाल यादव का कहना रहा कि ये आप लोगों का आशीर्वाद है जो तेजस्वी यादव इस मुकाम पर पहुंचे हैं। आपके आशीर्वाद से ही भैंस चराने वाला भी खेसरिया बन जाता है। तो इस तरह से खेसारी लाल यादव ने साफ कर दिया है यहाँ पर कि आखिरकार वह इस मुकाम तक कैसे पहुंचे। तो वहीं दूसरी ही तरफ तेजस्वी यादव के समर्थन में भी उन्होंने बात रखी और इस वजह से चर्चाएं तेज हो चुकी हैं कि खेसारी लाल यादव को भी अब टिकट मिल सकता है इस लोकसभा चुनाव में राजद की तरफ से। देखना होगा कि तेजस्वी यादव क्या वाकई में खेसारी लाल यादव को चुनावी मैदान में उतारेंगे या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।